नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप विड स्काई एप्लीकेशन में आप अपनी फोटो से वीडियो कैसे बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो कि फोटो से वीडियो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो गाइज आज मैं आपको विड स्काई ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। गाइज इस एप्लीकेशन में सिर्फ आपको अपनी फोटो इम्पोर्ट करनी है और गाइज कुछ ही सेकेंड में आपकी फोटो से वीडियो क्रिएट हो जाएगी। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और गाइज आपको ऑल पर सेट कर लेना है, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर आप भी जानना चाहते हो कि विड स्काई ऐप में अपनी फोटो से वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको प्ले स्टोर से विड स्काई एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, और दोस्तों इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। और जैसे ही दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो गाइज आपके सामने इस एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले गाइज आपको इस एप्लीकेशन में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी लैंग्वेज में आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहते हो। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे गाइज वीडियोज़ ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे स्टेटस देखने को मिल जाते हैं जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन में अपनी फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो गाइज़ यहाँ पर आपको सिंपली टेम्पलेट ऑप्शन पर क्लिक करना, और टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में बहुत सारे टेम्पलेट देखने को मिल जाते हैं। गाइज आपको यहाँ पर जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है सिर्फ आपको उस टेम्पलेट में आपको अपनी फोटो इंपोर्ट करनी है, और गाइज कुछ ही सेकंड में आपकी फोटो से वीडियो क्रिएट हो जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की ओर बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती है, आप जिस भी कैटेगरी की वीडियो क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। तो फिलहाल गाइज मैं अपने एक मानसून कैटेगरी यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप दोस्तों आपको उस कैटेगरी रिलेटेड बहुत सारी टेम्पलेट देखने को मिल जाएगी। अब जिस भी तरह की अपनी वीडियो क्रिएट करना चाहते हो सिंपली गाइज आपको जो है टेम्पलेट पर क्लिक करना है। तो फिलहाल गाइज मैं पर इस वाली टेम्पलेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेम्पलेट पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में यहाँ पर ऐड आएगी, तो सिंपली गाइज यहाँ पर आपको ऐड को क्लोज करना है, और इसके बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो टेम्पलेट यहाँ पर प्ले हो चुकी है। इसके बाद गाइज अगर आप टेम्पलेट में अपनी फोटो डाल करके वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो सिंपली गाइज आपको जो है क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्रिएट वीडियो ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये टेम्पलेट आपके मोबाइल में यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना है जैसे ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद गाइज इस टेम्पलेट में आप अपनी फोटो इंपोर्ट करके जो है वीडियो क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर जो है डाउनलोड हो रही है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारी यहाँ पर टेम्पलेट डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी, और गाइज आप जिस भी फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हो सिंपली गाइज यहाँ पर आपको अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। तो फिलहाल गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर इस टेम्पलेट में सिर्फ एक फोटो ही इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइज मैं यहाँ पर जो है एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर इस वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज कन्फर्म ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी फोटो को क्रॉप कर लेना है। तो जिस भी तरह से आप अपनी फोटो क्रॉप करना चाहते हो यहाँ पर आपको अपनी फोटो क्रॉप करने के बाद जैसे आप क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक करोगे इसके बाद फिर से गाइज आपको जो है डन ऑप्शन पर क्लिक करना, और डन पर क्लिक करने के बाद गाइज आपकी जो फोटो इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट हो जाएगी। और इसके बाद गाइज अगर आप वीडियो का म्यूजिक चेंज करना चाहते हो तो सिंपली गाइज आपको जो है म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से दोस्तों आप अपने मोबाइल की स्टोरेज में से यहाँ पर आप सॉन्ग को चेंज भी कर सकते हो। और इसके बाद गाइज अगर आप इस एप्लीकेशन का लोगो रिमूव करना चाहते हो तो गाइज आपको लोगो के ऊपर इस क्रॉस आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको वॉच अ वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, और गाइज इस एप्लीकेशन एक ऐड प्ले होगी और गाइज आपको ऐड को पूरा देखना है। इसके बाद गाइज आपकी वीडियो में से इस एप्लीकेशन का लोगो यहाँ पर जो है रिमूव हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड वॉच करने के बाद यहाँ पर वीडियो में से लोगो रिमूव हो चुका है। इसके बाद गाइज अगर आप इस वीडियो को गैलरी में सेव करना चाहते हो तो सिंपली गाइज आपको जो है एक्सपोर्ट वीडियो पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आपको वॉच वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड यहाँ पर जो है क्लोज हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो की एक्सपोर्टिंग भी यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज यहाँ पर आपको कुछ टाइम वेट करना, और गाइज ये वीडियो आपकी मोबाइल की गैलरी में यहाँ पर जो है सेव हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो की एक्सपोर्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और गाइज इस एप्लीकेशन में हमारी फोटो से वीडियो यहाँ पर जो है क्रिएट हो चुकी है। तो गाइज कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपनी फोटो से बहुत ही कमाल की वीडियो यहाँ पर आप कुछ ही सेकंड में क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ से आप अपनी वीडियो को शेयर भी कर सकते हो।
तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।